नमस्कार, आशा मेहता की रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही फायदेमंद है और आप सबके काम आने वाली है, हमारे सबके काम आने वाली है। इसको चाहे कोई बुजुर्ग ले, नौजवान ले, बच्चा ले, तो उसको बहुत ही ये फायदा करेगी। क्योंकि आजकल मौसम चेंज हो रहा है तो लगभग वायरल फैला हुआ है और सबके पेट अपसेट हो रहे हैं, पेट खराब हो रहे हैं, किसी को लूज मोशन है। तो ऐसे में लूज मोशन हो जाते हैं तो शरीर में पानी की भी कमी हो जाती है। तो ऐसे में आप बजाय डॉक्टरों के पास भागने की, आप पहले एक काम कीजिए। ये देखिए, ये इसबगोल, इसको इसबगोल का छिलका कहते हैं, आप ये ले लीजिए। मार्केट में किसी भी ग्रोसरी स्टोर से आपको आसानी से मिल जाएगा। आप इसको लीजिए और आप इसको एक से दो चम्मच तक ले सकते हैं, बड़े इसको दो चम्मच तक ले सकते हैं और बच्चों को आप एक चम्मच दीजिए। ये देखिए ऐसे होता है ये। और आप पानी में थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डालिए, पानी को मीठा कीजिए। अगर आपके पास रूह अफ़ज़ा अवेलेबल नहीं है तो आप पानी में चीनी और नींबू भी डाल सकती हैं। किसी भी तरह आप मीठा पानी बना के इसको उसके साथ लीजिए। ये देखिए मैं इसमें रूह अफ़ज़ा डाल रही हूँ, करीब दो चम्मच के करीब। और इसको आप रूह अफ़ज़ा के साथ दो चम्मच लीजिए, दिन में तीन से चार बार भी ले सकते हैं क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो ये देखिए मैं आपको लेके दिखाती हूँ। एक चम्मच आप ये लीजिए और ऊपर से आप पानी पी लीजिए। ये आपको लूज मोशन में काफ़ी फ़ायदा करेगा। और साथ में आप ORS का घोल लेते रहिए ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। और इसका एक और भी फ़ायदा है इस घोल के छिलके का, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आप उसमें भी ले सकते हैं। आप इसको दूध में डाल के उसमें थोड़ी सी शक्कर डालिए, चीनी मत डालिए, शक्कर डालिए और रात को लेके सो जाइए। देखिए सुबह तक आपका आप अच्छी तरह से फ्रेश हो जाएंगे। ये बहुत ही काम की चीज़ है, आप इसे अपनी डेली रूटीन में या जब भी आपको तकलीफ हो तो आप इसे ज़रूर शामिल कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा करेगी। और अगर आपको मेरी टिप पसंद आई हो तो आप आशा मेहता की रसोई से जुड़े रहिए, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।